Welcome everyone. In this video we will study about class 5th GK and today's topic is monuments and tourist places in India. So dekhiye hum janenge is video ke andar ki monuments aur tourist places hain jo India ke andar. So unke bare mein aaj hum janenge is video ke andar. So let's begin this topic. ढाई दिन का झोपड़ा. सो देखिए जो ढाई दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पर है. वो स्थित है अजमेर के अंदर, राजस्थान में. अजमेर राजस्थान के अंदर अजमेर है. सो ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर ये स्थित है और आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख जाएगा यहाँ पर ढाई दिन का झोपड़ा. सो ये बनवाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा. इज दैट क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था और इसको स्थापित यहाँ पर करवाया था. चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखिए एलिफेंट्स केव कहाँ पर है. सबसे पहली बात ये है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, बिकॉज मुंबई का जो एरिया है इसके आसपास जो अगर हम देखें मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का जो एरिया, यहाँ पर बहुत सारी केव्स पाई जाती हैं जहाँ पर पुराने धार्मिक लोग यहाँ पर पूजा भी करते थे, यहाँ पर रहने के लिए भी यूज की जाती थी ये गुफाएं. सो देखिए बहुत सारी केव्स मिलती है, उनमें से वन ऑफ द एक बहुत ही बड़ी केव है वो है एलिफेंट्स केव जो है मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ही. और ये बनवाई गई है राष्ट्रकुटा रूलर्स के द्वारा. ये उन्हीं लोगों के लिए बनवाई गई थी सो दैट उनको हेल्प हो इन केस ऑफ बारिश आ जाए या फिर किसी भी मौसम में वो यहाँ पर स्टे कर सके, पूजा कर सके आराम से, जैसे बुद्धिस्ट लोग हैं जो ओके उनके लिए. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी. सो देखिए फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया, ये बनवाया अकबर ने. आप देख सकते हैं ये फतेहपुर सिकरी का एक कंस्ट्रक्शन है ये, एंड ये जो स्थित है ये है आगरा यूपी के अंदर स्थित है. सो इट्स प्रिटी इजी, देख सकते हैं आप आगरा के अंदर. इस फोटो में आप देख सकते हैं काफी बड़ा एरिया है, बीच में काफी बड़ा ये आपको मिल जाएगा ओपन ग्राउंड जहाँ पर मोस्टली लोग नमाज वगैरह पढ़ने का यूज करते हैं इसको. एंड फतेहपुर सिकरी जो है वो है आगरा के अंदर, प्लस ये बनवाई अकबर ने. ओके अकबर बहुत बड़े सम्राट थे, मुगल सम्राट थे और इनके टाइम पर बहुत सारी चीजों की कंस्ट्रक्शन हुई. और बात करें तो मुगल एम्परर्स की, तो मुगल्स के टाइम पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई थी. सो हमें जानना पड़ेगा अच्छे से कि किस राजा ने क्या बनवाया, बिकॉज बहुत सारे मुगल सम्राट आए हैं. चलते हैं नेक्स्ट. ये है फिरोजशाह कोटला. तो देखिए फिरोजशाह कोटला आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फिरोजशाह कोटला के अंदर ही कंस्ट्रक्शन है. यहाँ पर इसको फिरोजशाह तुगलक ने ही बनवाया, आप नाम से कैच कर सकते हैं. देखिए फिरोजशाह एंड फिरोजशाह, तो यहाँ से बिल्कुल ईजी है नाम याद करना. फिरोजशाह कोटला को बनवाया फिरोजशाह तुगलक ने. एंड देन सेकेंड बात ये आती है कहाँ पर है, ये है दिल्ली के अंदर स्थित. Is that clear? आपको पता है फिरोजशाह कोटला जो स्टेडियम है वो भी दिल्ली के अंदर है, प्लस फिरोजशाह कोटला का जो स्टेडियम है उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए. Is that clear? जीके के लिए इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा. सो इम्पोर्टेंट ये था कि फिरोजशाह कोटला किसने बनवाया, ये है फिरोजशाह तुगलक ने एंड दिल्ली में बनवाया गया. चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है गोलघर. आप फोटो में देख सकते हैं बिल्कुल गोल है ये, जैसे ये सीढ़ियां चढ़ने की गोलघर टाइप से. So, ये कहाँ पर है, ये है पटना बिहार के अंदर और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था. ओके किसने बनवाए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. और मेन बात ये है कि ये किस लिए यूज हुआ, बिकॉज आप सोच रहे हो कि इसका काम क्या है, ये कोई महल भी नहीं है, कोई कुछ लाइब्रेरी भी नहीं लग रही, इसको स्टोर हाउस के लिए यूज करते थे, गोदाम वगैरह के तौर पर ये यूज करते थे. आप देख सकते हैं कि गेट है, यहाँ से एंटर होगा, ऊपर से सामान डालेंगे, ग्रेनरीज वगैरह यहाँ पर फिलअप करेंगे और आज के टाइम पे भी इसकी कैपेसिटी काफी है तो इसको आज के टाइम पे भी यूज कर लिया जाता है. ओके और ये कहाँ पर स्थित है, पटना बिहार के अंदर. चलते हैं नेक्स्ट. देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर. ओके कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और ब्रिटिश सरकार ने इसको बनवाया था, ब्रिटिश सरकार ने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी और इसको इनोग्रेट किया गया था 1924 में. कब बनवाया गया था, 1924 में इसका इनोग्रेशन हुआ था और ये स्वागत के लिए बनवाया गया था बेसिकली जिनके राजा महाराजा आ रहे थे ब्रिटेन से उनके लिए. नेक्स्ट है हवा महल. देखिए हवा महल वन ऑफ द बेस्ट एक टूरिस्ट प्लेस है बात करें तो इंडिया के अंदर. और ये जो है ये स्थित है जयपुर राजस्थान के अंदर. जयपुर सभी को पता है आपको राजस्थान के अंदर है. तो ये बनवाया गया है महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा. ओके और अगर बात करें तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह इनका पूरा नाम था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह. और ये बनवाया गया था 1799 में. 1799 में आपको एक बात और बतानी चाहिए, टीपू सुल्तान वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के,
राजा थे बहुत बड़े, टीपू सुल्तान की डेथ भी इसी टाइम हुई थी 1799 में। सो देख सकते हैं आप, इससे भी याद कर सकते हैं। और ये क्यों बनवाया गया था, मेन रीजन है कि इसके अंदर जो लेडीज रहती थी सो दैट वो बाहर का नजारा देख सकें और शहर को देख सकें, बिकॉज पहले क्या था महिलाओं को बाहर जाने की ज्यादा अनुमति नहीं मिलती थी। और राजमहल में ये इसलिए बनवाया गया था सो दैट महिलाएं आराम से देख सकें शहर को बाहर से कि क्या बाहर क्या चहल पहल है, इसलिए इसमें बहुत सारी विंडोज हैं, तो ये इसका रीजन है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा हुमायूं टॉम्ब। तो हुमायूं की कब्र कहाँ है, ये है दिल्ली, आप देख सकते हैं ये। और ये बनवाई हुमायूं की वाइफ ने, इज दैट क्लियर, हुमायूं की वाइफ ने बनवाई ये। सो देखते हैं हम, हुमायूं की जो वाइफ थी उसने इसको दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करवाया, डेफिनेटली उसकी डेथ के बाद ही इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। चलते हैं हम आगे, और इसको अगर हम बात करें इंडिया के टर्म्स में तो इसको बोलते हैं मकबरा ए हुमायूं। तो ये जो उर्दू लैंग्वेज में बोला जाता है मकबरा ए हुमायूं, ओके, मकबरा ए हुमायूं बोलते हैं, लेकिन आपको लिखना है मेजर पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर सिर्फ लिखे गए हैं, बाकी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। चलते हैं आगे, जामा मस्जिद जो है वो कहाँ पर है, सभी को पता है बिल्कुल एक कॉमन सा, ये आपको सभी को पता है कि दिल्ली में बहुत सारे राजा आए हैं, मुगल सम्राट ओके, बहुत सारे फिर अंग्रेज लोग भी आए हैं, तो कंस्ट्रक्शन मोस्टली दिल्ली आगरा इन जगह पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ओके सो देखिए ये बनवाया गया है दिल्ली में, और शाहजहां ने इसको बनवाया, शाहजहां ने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करवाई थी जैसे ताजमहल, फिर जामा मस्जिद भी हमारे पास आ गया, रेड फोर्ट एक्सेट्रा। तो हमारे पास ये फोटो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि ये जामा मस्जिद का हमारे पास ये पिक्चर है, एंड जामा मस्जिद डेफिनेटली सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है, ओके, मस्जिद है सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, बहुत सारी मॉस्क बड़ी बड़ी हैं उनके अंदर वन ऑफ द बेस्ट ये है। चलते हैं आगे, जगन्नाथ टेम्पल। सो देखिए ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये कहाँ पर है, ये है पूरी उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर स्थित, और ये बनवाया गया था अनंत वर्मन के द्वारा, अनंत वर्मन के द्वारा ये बनवाया गया था। सो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा की साइड अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, इज दैट क्लियर। और इसके अंदर कौन भगवान किसकी मूर्ति है, जगन्नाथ भगवान की इसके अंदर मूर्ति है, और इसके अंदर कुछ फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं जैसे रथ यात्रा, इसका जैसे हमारे यहाँ मेले लगते हैं ना मंदिरों में, ऐसे ही यहाँ पर रथ यात्रा ओके, स्नान यात्रा, ऐसी चीजें की जाती हैं यहाँ पर, और ये बिल्कुल समुद्र के किनारे पर ये स्थित है। ओके चलते हैं हम आगे, आगे है हमारे पास जंतर मंतर। सो देखिए जंतर मंतर कहाँ है, ये है दिल्ली के अंदर, और ये बनवाया गया सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा ये बनवाया गया 1724 के अंदर। ओके ये क्यों बनवाया गया था, यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल चीजें की जाती थी, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर चीजें होती थी, प्रेडिक्शन की जाती थी कि सन मून और अदर प्लैनेट्स के द्वारा कब ग्रहण लगेगा, इस टाइप की यहाँ पर एक्टिविटीज होती थी, एक प्रकार की एस्ट्रोनॉमिकल लैब थी ये। लाल बाग, सो देखिए जो लाल बाग है वो कहाँ पर है, ये आप लाल बाग देख सकते हैं, ये है बेंगलुरु के अंदर, और ये हैदर अली ने कंस्ट्रक्ट करवाया। हैदर अली कौन थे, ये थे टीपू सुल्तान के फादर थे ओके। और 1856 में देखिएगा, 1856 में इसको एक बोटेनिकल गार्डन का दर्जा दिया कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने, इतना अच्छा गार्डन ये बनवाया गया था कि इसको बोटेनिकल गार्डन का दर्जा देना पड़ा, और ब्रिटिशर ने इसको बाद में दर्जा मिला बहुत बाद में, ठीक है। चलते आगे, आगे है लक्ष्मी नारायण मंदिर। अभी देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है, ये दिल्ली के अंदर, और ये बनवाया गया बिरला फैमिली के द्वारा। ओके तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो कहाँ है, दिल्ली में, और इसको बिरला मंदिर भी बोला जाता है बेसिकली, अगर हम बात करें इसके शॉर्ट फॉर्म में तो इसको बिरला मंदिर भी बोल देते हैं। और ये हिंदू टेम्पल है बेसिकली, इसके अंदर लक्ष्मी नारायण के लिए डाइटी है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी, यहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी गई है, बेसिकली विष्णु जी, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं विष्णु जी भी लिख सकते हैं, विष्णु जी, एंड आपको समझ में आ गया होगा कि लक्ष्मी नारायण किन के लिए है, किसको इनको इंडिकेट कर रहा है। चलते हैं आगे, मक्का मस्जिद। तो देखिए मक्का मस्जिद जो है वो कहाँ पर है, वो है हैदराबाद के अंदर, और बनवाई गई है कुली कुतुब शाह के द्वारा, और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे होली मॉस्क बहुत ही
पवित्र ये मस्जिद मानी जाती है, बहुत ज़्यादा पवित्र। एंड अगर हम बात करें आगे, सो देखिए ये बनवाई गई 1694 में, ओके 1694 में बनवाई गई थी। चलते हैं अब आगे, अगला कुतुब मीनार। यू ऑल नो कि कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। आप देख सकते हैं कुतुब और ये कुतुब, तो आप यहाँ से नाम ज्वाइन कर सकते हैं। कुतुब मीनार जो है किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ओके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया। अभी देखिए इसके अंदर टोटल 73 मीटर ये लंबा है, और 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। उसके बाद ये धीरे धीरे कुछ और लोगों ने भी इसके अंदर, ये जो वाइट आप देख रहे हैं, शाहजहां ने ऐड करवाया था इसके अंदर, इसके बेटे ने भी ऐड करवाया था इसके अंदर कुछ पिलर्स। सो आप देख सकते हैं धीरे धीरे बनता गया। विक्ट्री टावर था, ये जीत का एक टावर था, ये विक्ट्री टावर इसको बोला जाता था, ओके विक्ट्री टावर इसको बोलते थे। सो आगे चलते हैं अब हम, देखिए लाल किला। सो जो लाल किला किसने बनवाया, ये बनवाया शाहजहां ने। कहाँ पर बनवाया, दिल्ली के अंदर। यहाँ पर झंडा भी फहराया जाता है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर, ओके उसके बाद देखते हैं कि जो रेड फोर्ट है वो फेमस क्यों है। इसके अंदर जो लाल पत्थर लगा हुआ है, रेड सैंडस्टोन जो ये लगा हुआ है, इसके लिए ज्यादा फेमस है ये, इज दैट क्लियर, बहुत ज्यादा फेमस है इसके लिए। साबरमती आश्रम, तो देखिए साबरमती जो आश्रम है वो कहाँ बना है, वो है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। प्लस ये किसने बनवाया, महात्मा गांधी जी ने अपना इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चलाने के लिए गांधी जी ने आश्रम बनवाया था, ओके। सो अभी अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं शांति निकेतन। तो शांति निकेतन कहाँ है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में हमारे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनवाया था ये। डेफिनेटली जो हमारा साबरमती आश्रम था उसकी तवज्जो पर ही बनवाया गया था, बिकॉज इन आश्रम्स में क्या होता था कि वेरियस स्किल्स सिखाई जाती थी, जैसे ड्रॉइंग, डांसिंग, वेरियस चीजें सिखाई जाती थी, रीडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास शालीमार बाग। सो देखिए शालीमार बाग जो है, या फिर शालीमार गार्डन, ओके जो समटाइम्स इंग्लिश में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो ये है श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये बनवाया गया जहांगीर के द्वारा, ठीक है। अभी देख सकते हैं बाग है चारों तरफ, ये पानी, बहुत ही प्यारा ये एक लोकेशन है, टूरिस्ट प्लेस के तौर पर बहुत ही प्यारी लोकेशन है श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थित है। आगे देखते हैं शेरशाह की टोम। शेरशाह का जो मकबरा वो है सासाराम बिहार के अंदर, और शेरशाह के बेटे ने इसको बनवाया। देख सकते हैं काफी ओल्ड हो गया, बिकॉज इनकी सल्तनत खत्म हो गई थी बेसिकली, तो इसकी देख रेख नहीं हुई इतनी अच्छे से एज कम्पेयर टू मुगल डायनेस्टी। सो शेरशाह की कब्र आप देख सकते हैं, शेरशाह के बेटे ने बनवाई सासाराम बिहार में। सब कुछ ऐसे चल रहा है, आप लिंक कर सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास सन टेम्पल। तो देखिए सन टेम्पल सूर्य, ये देखिए आप रथ देख सकते हैं यहाँ पर, ये रथ जो है सूर्य रथ है, ये रथ पहिए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ओके। सो ये जो बहुत ही प्यारा ही मंदिर है, बहुत ही पुराना ये मंदिर है, और कोणार्क उड़ीसा के अंदर ही स्थित है, ओके और आपको एक स्पेशल बात बताते हैं इसकी। पहले तो ये देख लीजिए कि बनवाया किसने, बनवाया नरसिम्हा देव वन ने। दूसरी बात, ये 13th सेंचुरी में बनवाया गया था। और उसके बाद जो हमारी जो इसकी इंटरेस्टिंग बात है वो है कि ये जो कोणार्क नाम आया है, ये जो शहर का कोणार्क नाम है, ये है कोना, कोना लिखते हैं ना एंगल, तो कोने से आया, बिल्कुल कोने पे स्थित है, इसलिए कोणार्क नाम दिया इस जगह को, ओके। और अर्क है, अर्क अर्क बोलते हैं सन को, सूरज को, तो इसलिए कोने पे बिल्कुल सूरज निकलता है, सबसे पहले जहाँ सूरज निकलता है वहां पर ही स्थित है ये मंदिर। ये स्पेशल बात थी कि बिल्कुल जहां पहली किरण पड़ेगी सूरज की वहां पर ही मंदिर स्थित है। प्लस ये बहुत ही, इसके अंदर जब रोशनी पड़ती है बेसिकली सूरज की, तो आपको देखने मिल सकता है कि काफी प्यारा ये व्यू आएगा इसके अंदर, टूरिस्ट प्लेस के तौर पर बहुत ही अच्छा ये लोकेशन है। नेक्स्ट चलते हैं मंदिर। तो देखिए गोल्डन टेम्पल आप सभी को पता है कहाँ पर है, अमृतसर के अंदर है ये, बिकॉज मोस्टली सभी को पता होता है गुरु रामदास जी ने बनवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन गोल्डन प्लेटिंग्स आपको देखने में मिल जाएंगी, इसलिए इसका नाम स्वर्ण मंदिर है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा ताजमहल। ताजमहल वन ऑफ द बेस्ट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। सो ये कहाँ पर है, आगरा यूपी के अंदर, एंड शाहजहां ने इसको बनवाया था, किसकी याद में, अपनी वाइफ मुमताज की याद में इसको बनवाया गया था। बट यस, वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक प्लेस है इंडिया के अंदर, यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। इसके व्हाइट मार्बल्स का व्यू बहुत ही प्यारा आता है। चलते हैं हम अब आगे, नेक्स्ट इज विक्टोरिया मेमोरियल। तो देखिए ये विक्टोरिया मेमोरियल अंग्रेजों ने बनवाया था जब वो आए थे यहाँ पर, फोर्ट बनवाया था खुद के लिए, किला बनवाया था,
और ये बनवाया गया कोलकाता में, बिकॉज आप सभी को पता है ब्रिटिशर सबसे पहले ट्रेड करने कहाँ आए थे, कोलकाता में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इसको बनवाया था। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विजय स्तंभ। तो देखिए जीत का स्तंभ ये बनवाया गया, जीत का स्तंभ आप देख सकते हैं ये आराम से बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो बहुत ही अच्छी बनवाई गई है। ये बनवाया गया चित्तौड़गढ़, राजस्थान के अंदर है चित्तौड़गढ़, आपको पता है चित्तौड़गढ़ का किला भी आपने सुना होगा। तो महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था, और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर छोटी छोटी बारीकियां, बहुत ही स्टेबल करना बहुत ही टफ होता है, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही टफ होती है, इतना सिंपल टाव पिलर नहीं है ये एज कम्पेयर टू अदर पिलर्स। सो ये था हमारा आज की वीडियो में, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड होप यू लाइक द वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक यू।